We will discuss what the first of all the Guterman Koch reaction, one of the well known and very basic reaction. In that reactions we are going to mix up carbon monoxide with hydrochloric acid. You know that the chemistry of carbon monoxide. So it is, this is the molecule structurally represented at this, and what we are reacts with hydrochloric acid now. Okay, ye do humne sabse pehle use kiye hain. What happened with this AlCl3 now? AlCl3 from hydrochloric acid. Okay, and there is a formation of a salt, that is HCl here, that is a तो जैसे तुमको क्या मिल रहा है, विल गेट द स्पीसीज इज HCO, दिस वन, एंड दिस इज कॉल्ड फॉर्मिल आयन, दिस इज कॉल्ड एज ए फॉर्माइल आयन. ओके, सो क्या हम डायरेक्टली HCl और CO ले नहीं सकते थे क्या? व्हाई वी आर गोइंग, व्हाई वी आर यूज दैट HCl3 नाउ? द रोल ऑफ AlCl3, क्योंकि क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना, ये सिर्फ एक्वस कंडीशन में एसिडिटी दिखाता है. इन न्यूट्रल गैसीय स्टेट इट कैन नॉट शो द एसिडिक बिहेवियर. सो व्हाट, टू गिव द प्रोटॉन इजीली वी हैव टू रिएक्ट विद लेविस एसिड नाउ. तो लेविस एसिड अगर हम यूज करेंगे तो आपका हाइड्रोजन जल्दी से निकलेगा वहां पे, एंड दैट CO विल कैप्चर दैट हाइड्रोजन, इट फॉर्म द फॉर्मिलियम आयन. अब जैसे फॉर्मिलियम आयन बन गया, बाकी तो हमारे पास प्रेजेंट है. सो वी हैव द बेंजीन, दिस वन, एंड दैट बेंजीन इज रिएक्ट्स विद योर फॉर्मिलियम आयन, जो कि कैसा है, एच सी ट्रिपल बॉन्ड ओ प्लस. सो दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल नाउ, एंड नाउ अटैक ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑन टू द इलेक्ट्रोफाइल, अभी क्या हो गया यहाँ पे, देर इज अ सी सी बॉन्ड विल बी डेवलप्ड हियर नाउ, दिस विल बी अ सी डबल बॉन्ड ओ, दिस विल बी एच, और यहाँ पे तो पहले से हाइड्रोजन प्रेजेंट था, एंड दिस इज व्हाट द positive charge. In the next step, what happened now? In the next step, the base is there now, and that base will be AlX4 negative. It is that hydrogen, that is H plus ion, and these electrons are shifted to a stable product, that is benzene. So ultimately, you will get the product that is benzaldehyde. So this into okay. So this reaction is what already studied in the 12th standard also, and we are also in the what BSc. We are just going to transform that benzaldehyde. Okay. Now we have one more reaction. That reaction is called as a Riemer-Thiemann reaction. Okay. Now that reaction is called as a now this reaction is also the part of what electrophilic substitution reaction now. Okay. So how this reaction will be explained, and what will be the main reactants and all these things in this reaction now. So this reaction is basically on phenol. So I have the phenol is my starting material, and on phenol there is a reaction with chloroform in alcoholic KOH. Okay, and it will converts into the product, that is ortho hydroxy benzaldehyde, and this is also be called as a salicylaldehyde. Okay. So, अब ये जो रिएक्शन है, ये भी एक वेल नोन रिएक्शन है, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपकी आती है. और इस रिएक्शन में हमको क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू नाउ इन दिस रिएक्शन, व्हाट वी मस्ट नो द रोल ऑफ व्हाट क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH. सो क्लोरोफॉर्म कैसे होता है, लुक एट दिस वन. सो द क्लोरोफॉर्म इज टेट्राहाइड्रल sp3 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंटेड एट दिस वन नाउ, एंड वी आर गोइंग टू रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH. नाउ अल्कोहलिक KOH इज व्हाट जनरली इज एक्ट एज अ बेस नाउ.
क्या करता है, एज ए बेस का काम करता है. लुक एट दिस, थ्री सी एल आर प्रेजेंट ऑन सिंगल कार्बन, सो ऑल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी शिफ्टेड टुवर्ड क्लोरीन नाउ. सो दिस विल बी अ हाईली एंड हाईली डेफिशिएंट. कार्बन इज ऑल्सो डेफिशिएंट एज वेल एज द हाइड्रोजन ऑल्सो वॉट डेफिशिएंट. दैट ओ एच निगेटिव फ्रॉम वॉट अल्कोहलिक केवेज विल टेक दैट हाइड्रोजन. ओके, और जैसे वो हाइड्रोजन लेता है, सो वॉट विल हैपन, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सी नेगेटिव एंड दिस इज सी एल, दिस इज सी एल एंड दिस इज सी एल. और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, यहाँ पे बनेगा आपका वाटर विल बी द साइड प्रोडक्ट एंड हियर के विल बी द हियर नाउ. ऐसा आपको एक कंपाउंड मिला है. ओके, नाउ दिस काइंड ऑफ मॉलिक्यूल इज ऑब्टेन इन द फर्स्ट स्टेप. नाउ सेल्फ एलिमिनेशन ऑफ व्हाट वन सीएल विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सी नेगेटिव सीएल एंड सीएल. दैट सी नेगेटिव एंड सीएल सीएल विल बी ऑल्सो बी कॉल्ड एज ए डाइक्लोरोकार्बिन. ओके, that means this carbene is developed with the help of one one elimination. कैसे हुआ one one elimination ये, क्योंकि यहां से जो circle किया हुआ hydrogen पहले गया और फिर आपका एक cl चला गया. so carbon पे एक chlorine है आपका और एक hydrogen है. so the position of hydrogen and chlorine is very very important now, and that's why formation of carbene is an example of 1,1 elimination, or it is also called as a alpha elimination. ठीक है, तो कार्बिन क्या होता है, कार्बिन इज ए इलेक्ट्रॉन स्पीसीज सिक्स. कैसे, सो दिस इज द वन इलेक्ट्रॉन पेयर एंड दिस, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सिक्स इलेक्ट्रॉन है. चार्ज है क्या उसके ऊपर, एनी चार्ज ऑन डाइक्लोरोकार्बिन, नो इट इज अ न्यूट्रल, इट इज अ न्यूट्रल बट इनकम्प्लीट ऑक्टेट. सो जो डाइक्लोरोकार्बिन जो है ये आपका, ये मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, सो दिस विल बी द माय सीएल एंड दिस विल बी माय अनदर सीएल. सो दिस डाइक्लोरोकार्बिन इज ए सिक्स इलेक्ट्रॉन स्पीसीज विच इज न्यूट्रल एंड इट इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, बिकॉज ये कौन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर. फिर ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इनके बेस के ऊपर हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं. So this electron may be in this fashion, or this electron may be in this fashion. So based on that electron orientation, electron spin orientation, we have two types of what carbene. एक को हम बोलेंगे singlet carbene, एक को हम बोलते हैं triplet carbene. So singlet और triplet आता कहाँ से ही? So these are on the base of spin value. So suppose I have 2s plus 1, मैं यहाँ पे next slide पे जाता हूँ. So 2s plus 1 मतलब क्या हो गया, so 2s plus 1, so that means s is a spin value. जब दो इलेक्ट्रॉन मेरे पेयर्ड रहेंगे तो स्पिन कितना रहेगा, स्पिन कितना हो जाएगा, जीरो, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, इट विल बी इक्वालेंट टू जीरो. तो फिर आई विल पुट द वैल्यू ऑफ दैट जीरो, सो टू इंटू जीरो प्लस वन कितना हो गया, वन, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज ए सिंगलेट कार्बन. फिर मैं दूसरे के लिए अप्लाई कर रहा हूँ 2s plus 1, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है दूसरा भी ऐसा है, एक का प्लस हाफ दूसरे का प्लस हाफ कितना हो गया, 1, सो 2 into 1 plus 1 कितना आंसर मेरा, 3, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज ए ट्रिपलेट कार्बिन. सो दिस कार्बिन कैन बी ऑन द बेस ऑफ द स्पिन. और रिमर टीमन रिएक्शन में क्या इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है तुम्हारा, इन रिमर टीमन रिएक्शन योर इलेक्ट्रोफाइल इज ए डाइक्लोरोकार्बिन. ओके, फिर अभी आपको क्या करना है, फिनॉल को ट्रीट करना है उसके साथ. नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल, फिनॉल क्या होता है, ये रिएक्शन हमारी अल्कोहलिक केवेज में चल रही है, किसमें चल रही है, अल्कोहलिक केवेज. तो यानी कि आपका यहाँ पे अल्कोहलिक केवेज रहेगा, सो ये रिएक्शन इज इन बेसिक मीडियम, सो अल्कोहल भी एसिडिक होता है, अल्कोहल ऑल्सो हैव द सम एसिडिक कैरेक्टर. इसलिए सबसे पहले देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द पोटेशियम फिनॉक्साइड. ओके, ये मिलेगा आपको, यानी कि पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल मिलेगा. फिर वो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल जो है उसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं किसके साथ में, आपके डाइक्लोरोकार्बिन के साथ. किसके साथ में हो रही है रिएक्शन आपकी, द रिएक्शन विल बी टेक्स प्लेस बिटवीन योर फिनॉक्साइड दैट इज दिस वन विद द डाइक्लोरोकार्बिन. व्हाट हैपन नाउ, यू नो दैट दिस नेगेटिव चार्ज विल प्रेजेंट ऑन बेंजीन विल व्हाट gives the more electron density to benzene now. So benzene becomes rich now. So and you know that O negative is orthopyridate group now.
यानी कि अगर हम इसकी अगर बात करेंगे ऐसे, ये वाला दिस ओ नेगेटिव गिव्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट विच पोजिशन नाउ बिकॉज इट एक्ट एज अ डोनर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी, यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर जाएगी, और मैं शॉर्ट में जब निकालता हूँ तो ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा. सो दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विच कमिंग फ्रॉम अट ऑक्सीजन विल बी रिएक्ट विथ योर इलेक्ट्रोफोन. And ultimately what? There is a CC bond reaction will be takes place now here. और कैसे हो जाएगा ये? Now this is my your structure. This becomes a double bond O. Okay? अभी यहाँ पे क्या लग जाएगा? यहाँ पे मेरा new bond form हो रहा है. कहाँ पे हो रहा है new bond form? This one. और उस पे क्या क्या लग रहा है? Yes. This will be a carbon. This will be a chlorine. This will be a chlorine. अब ऑलरेडी आपके कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे और हमने 2 इलेक्ट्रॉन बेंजीन से दिए, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8. सो दैट्स व्हाई इट शुड बी अ नेगेटिव चार्ज. ओके, और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब हमारा हाइड्रोजन पहले से वहां पे प्रेजेंट. ओके, दिस द फर्स्ट स्टेप विल बी डेवलप्ड नाउ. इसके बाद क्या हो जाएगा आपका? दिस नेगेटिव चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन कार्बन विल टेक दैट हाइड्रोजन हियर एंड दिस इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी शिफ्टेड टू मेक द बेंजीन न्यूट्रल. अब आपका बेंजीन भी क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया. बेंजीन क्या हो गया आपका? इट इज अ न्यूट्रल. द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? लुक एट दिस वन. दिस विल बी व्हाट? योर ओ नेगेटिव, योर रिटेंशन ऑफ व्हाट? एरोमेटिक कैरेक्टर. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज व्हाट? This will be a carbon, this will be a chlorine, this will be a chlorine, and we are adding hydrogen here now. Okay, understood? Yes, sir. Yes or no? Okay? Yes, sir. And now in the next step, what happened here now? In the next step, we are going to hydrolyze that molecule. So hydrolysis will be done. So here example, I will do the hydrolysis of that complete molecule. So the Cl will be replaced by what? OH. That is simple substitution reaction. Okay. And here O also get converts to the OH. So here this will be a carbon. This will be the my OH. This will be my another OH. And this will be my OH now. So in that step, I'll get the geminal diol. What is geminal diol? Where two OH group are on same carbon. That is called as a geminal diol. And there is a simple chemistry of what? Geminal diol. So geminal diol will be obtained now. Or geminal diol chemistry kya hoti hai? Ki on a same carbon, two same OH function group cannot be exist now. Yani ki there must be a some elimination will be takes place now. So elimination of water will be takes place in this step. And here what? H2O will be free now. So jaise water aapka bahar ho gaya, you will get the compound that is carbonyl group. So how it will be now? Look at this one. This one. So this is my benzene with one OH group, and here will be the this one. This is my target molecule that is called as a ortho hydroxybenzaldehyde. Here benzaldehyde is a parent molecule and OH is a substituent now. और टू हाइड्रोक्सीबेंजाल्डिहाइड भी आप इसको बोल सकते हैं. सो दिस इज अ सिंपल मैकेनिज्म ऑफ व्हाट योर रिएक्शन. दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए रिमर-टिमर रिएक्शन. ओके, अंडरस्टूड? यस सर. सो दिस इज व्हाट वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन अगेन. सो वी हैव व्हाट क्लोरोफॉर्म एंड दिस सिस्टम. Okay, and ultimately you can get this product now. You can also do the attack at fourth position too. क्योंकि अगर ये bond अगर हम यहाँ पे दिखाते हैं तो ये वाला इधर जा सकता है और यहाँ पे भी आप attack कर सकते हैं. यानी you also get the 4-hydroxybenzaldehyde. But why this 2-hydroxy will be more stable? Because of hydrogen bonding now. You can see the structure here. So look at this one now. यहाँ पे अगर हम hydrogen bonding अगर दिखाते हैं ऐसे, this is my hydrogen. Okay, ये hydrogen अगर हम ऐसे बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाउ. बराबर है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है कि दिस हाइड्रोजन
बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड किसको बोलते हैं? कोई भी हाइड्रोजन आपका कोवेलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को. सबसे पहले दिस हाइड्रोजन शुड बी बॉन्डेड कोवेलेंटली विथ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ओके, एंड दैट हाइड्रोजन विल पार्शियली बॉन्डेड विथ अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ये वाले स्केलेटन को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, सो अब आपको यहां पे समझ में आना चाहिए कि हाइड्रोजन हमारा कौन सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं. वो ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला. ठीक है, जो कोहेरेंटली बॉन्डेड है. दिस हाइड्रोजन इज कोहेरेंटली बॉन्डेड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज ए ऑक्सीजन एंड पार्शियली बॉन्डेड विद अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज ऑक्सीजन. और इसलिए आपका आर्थो प्रोडक्ट जनरली मेजर रहेगा. क्या रहेगा आपका? आर्थो प्रोडक्ट इज मेजर देन व्हाट द पैरा. नाउ जनरली क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में? पैरा इज डोमिनेंट देन व्हाट द आर्थो. ओके, चलिए नाउ सो हाउ कैन आई प्रिपेयर दिस कंपाउंड? सपोज आई हैव दिस एनिलीन एंड आई वॉन्ट टू डू द रिमल्टीमेंट रिएक्शन. सो क्या रिमल्टीमेंट रिएक्शन कोई और सब्स्टेट पे होती है? सो दिस इज सी एच सी एल थ्री इन द प्रेजेंस ऑफ अट अल्कोहलिक केवच. नाउ वॉट हैपन when anilines are react with alcoholic KVH now? So is it the same reaction? No. What? You know that aniline is a 2-2 reactive. और जिस वजह से क्या होता है हमको जो reaction मिलनी चाहिए थी वैसे मिल जाती. So that chloroform and what alcoholic KVH is a test to identify the primary amine. इसको बोलते हैं carbyl amine test. हमने कभी पढ़ा होगा इसके बारे में. That is called as a carbyl amine test now. Which decide the That means this the reagent chloroform or KVH अगर हम डालते हैं तो हमको ऐसे मिल जाता है. That is called isocyanate, phenyl isocyanate. Okay? So always remember. So we cannot do the that same reaction that is remultiplement reaction on your aniline or any other compound. So only phenol which show this reaction. Why aniline can't? Okay? So now I want to prepare this compound now. Suppose I have my this aniline. मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको. This one. And I want to just prepare this one. So it is a multi-step reaction. And what type of reagents are required for this transformation? Can anybody suggest? एनिलीन का कन्वर्शन मुझे करना है. दिस इज व्हाट माय एनिलीन. ओके, एंड दिस इज व्हाट पैरा नाइट्रो एनिलीन. एनिलीन इट इज आल्सो व्हाट द एग्जांपल दैट इज कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. हियर NH2 इज अ डोनर. सो इट इज डोनर मींस इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. सो इट डोनेट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट आर्थो एंड पैरा. सो ऑब्वियसली इट आर्थो पैरा डोनेटिंग ग्रुप एंड यू विल गेट द प्रॉपर्टीज व्हाट NO2. क्या हम डायरेक्टली नाइट्रेशन करके इसका कर सकते हैं रिएक्शन?
सर आवाज नहीं आ रही आपकी। So what is that Kolbe-Schmitt reaction now? In the Kolbe-Schmitt reaction, what we are have the phenol and treatment with the KOH or what NaOH in the carbon dioxide, and that will be converts into the salicylic acid. And salicylic acid is the one most important intermediate for many drugs. Example aspirin hai. Okay. Example is what your salol. Many drugs are there in which salicylic acid is the main moiety. तो अभी phenol के ऊपर हम क्या करते हैं? Simple KOH and NaOH की reactions करते हैं. What happened now? When phenol is treated with any base, it first form the salt. सबसे पहले क्या करता है वो? It becomes a salt now. And later on what will happen now? This negative charge will be shifted and it will be react with carbon dioxide. Okay? ये इस तरह से आपका reaction दिखाएगा. And it converts into the same product which is appeared in the जो पहले कैसे मिला था हमको Riemann-Tiemann reaction में उसी तरह से this is double bond O and here my hydrogen and यहाँ पे बन रहा है COO negative then this hydrogen will undergo the what enolization this will be back to our phenol and this is what COO negative and K plus ultimately when I proton